कोई असर नहीं पड़ेगा भाई साहब। कुछ कारण क्या, मतलब कि अच्छी उन्होंने अच्छी सुविधाएं दी हैं, रोड दिया है, बिजली समय दे रहे हैं, है ना, और अपराध को रोक रहे हैं, और क्या चाहिए भाई। इस समय तो लोगों के मन में ये है कि बढ़ती महंगाई को लेकर जिसके हिसाब से पेट्रोल के दाम बढ़ा है, इस समय इलेक्शन को लेकर भी बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट पड़ेगा योगी सरकार पर। हाँ भाई, सब कुछ के रेटें तो बढ़ गई है, पहले तो यही देखा जाएगा कि पेट्रोल के दामें ज़्यादा बढ़ गई है। 2022 चुनाव में इसका असर पड़ेगा कुछ? हाँ भाई, इसको बिल्कुल असर पड़ेगा। ऐसा है कि ये योगी सरकार पर तो इसका महंगाई का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो ऊपर से उसका तेल पर उसके पैसे ऊपर से बढ़े, इसमें सरकार का तो कोई वो नहीं, वो तो सबके लिए पड़े। तो प्रदेश सरकार में कोई असर नहीं? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर, पूरा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर आज के टाइम पर जो आम जनता है बहुत परेशान है। एक्चुअल में क्या है कि पेट्रोल और डीजल काफ़ी महंगा होने की वजह से ट्रांसपोर्टिंग काफ़ी महंगी हो गई है, और ट्रांसपोर्टिंग महंगी होने के बावजूद लोगों को जो बेसिक चीज़ें हैं वो काफ़ी कॉस्टली पड़ रही है, और वो कॉस्टली पड़ने की वजह से लोगों का इनकम में कोरोना की वजह से इनकम तो बढ़ी नहीं, क्योंकि खर्चे और बढ़ गए। खर्चे बढ़ने की वजह से लोग आ गए सोच रहे हैं कैसे भी करके महंगाई कम हो, जो लोग महंगाई कम करेंगे वही लोग आगे आ पाएंगे। महंगाई का बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि अभी जो चुनाव हैं वैसे ही कोरोना से आपको पता है, कोरोना में सबका पैसे की सबको दिक्कत आ रही है, पूरे वर्ल्ड की एक बीमारी है, महामारी फैली है। तो योगी सरकार पे 100% इसका असर पड़ेगा। लोग ज़्यादा वोट वहीं जाएंगे जो सरकार कुछ महंगाई में कुछ कमी करे, तो हमारे हिसाब से तो असर पड़ेगा। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।